आप सभी को मेरा सोम नमस्कार। मेरा आज का विषय है वृद्ध जीवन के आईने में गिलीगड्डू, और ये एक उपन्यास है, चित्रा मुद्गल के द्वारा लिखित उपन्यास है। और चित्रा मुद्गल एक ऐसी लेखिका हैं जिन्होंने, चाहे वह स्त्री विमर्श पर बात करनी हो तो उन्होंने एक जमीन अपनी, और चाहे वृद्ध जीवन पर अगर बात करनी हो तो गिलीगड्डू, और किन्नर विमर्श पर बात करनी हो तो उन्होंने नाला सुपाड़ा। ऐसे ऐसे उपन्यास उन्होंने लिखे हैं जो सामाजिक यथार्थ को पूरी तरह से हमारे सामने रूबरू करते हैं। यहाँ पर गिलीगड्डू के माध्यम से उन्होंने पारिभाषिक रूप से और प्रतीकात्मक रूप को रखा है। पारिभाषिक रूप यह है कि गिलीगड्डू का अर्थ होता है, यह मलयालम का एक शब्द है, किली कलू, उसको हिंदी में गिली गलू कहा गया है, जिसका अर्थ होता है पक्षी और पक्षीगण। तो यहाँ पर उन्होंने प्रतीकात्मक अर्थ के स्तर पर रखा है कि पक्षी किस प्रकार मनुष्यों को संदेश देते हैं या प्रकृति किस प्रकार मनुष्य को संदेश देती है। यहाँ पर दो रूप हैं, जैसे एक और पक्षी जब बड़ा होता है तो वह पिंजरा छोड़ कर चला जाता है या वो अपने माता पिता को छोड़ कर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि मनुष्य ने इस परिभाषा को अच्छी तरह से जान लिया है कि बड़े होने पर, सक्षम होने पर माता पिता को त्याग देना है। लेकिन दूसरी ओर एक और प्रतीक है कि जहाँ पक्षी कहीं भी हो, चाहे शाम को वह कितना भी बाहर रहे, वह शाम को अपने पिंजरे पर वापस लौट के आता है। वो पिंजरा जो है एक संयुक्त परिवार का प्रतीकात्मक है। तो यहाँ पर इस प्रतीक को मनुष्यों ने नहीं लिया है। यहाँ वृद्ध जीवन की समस्या जो है, यह संयुक्त पारिवारिक संरचना की ऐसी समस्या है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इस पर कई संवेदनशील लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई है। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, शायद पढ़ा हो बचपन में, प्रेमचंद की वो कहानी बूढ़ी काकी, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, और दूसरी कहानी थी पंच परमेश्वर। तो यह वृद्ध जीवन की उसी बहुत ही हृदय को छू देने वाली कहानी थी। फिर से यहाँ भीष्म साहनी की कहानी होती है, चीफ की दावत, जिसमें उसी तरह वृद्धों के किस प्रकार उपेक्षा की जाती है। तो यहाँ लेखिका ने, ये बहुत नया उपन्यास है और लेखिका ने इस वृद्ध जीवन की समस्या को उकेरा है। प्रेमचंद की एक टेलीफिल्म थी, शायद आप लोगों ने कभी देखी होगी, रुई का बोझ। बुढ़ापा जो होता है वह रुई के बोझ के समान होता है, वह जैसे जैसे गीला होता है वह उतना भारी बनता जाता है और वो मनुष्य के द्वारा ढोया नहीं जा सकता है। तो यहाँ गिलीगड्डू में तीन वृद्धों की कथा है, जिसमें पहला वृद्ध वह है जो परिवार में होते हुए भी अकेला है, दूसरा वृद्ध वह है जिसे परिवार से बाहर कर दिया गया है, और तीसरा वृद्ध जो निसंतान है। तो यहाँ दो वृद्धों के कहानी ही कही गई है। तीसरा वृद्ध उनकी अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है जिसके पास संतान ही नहीं है। तो यह पहला वृद्ध जो है बाबू जसवंत सिंह, ये रिटायर्ड इंजीनियर हैं, और दूसरा वृद्ध है बाबू कर्नल स्वामी। तो ये कानपुर के रहने वाले हैं और नोएडा में आते हैं बेटे के बुलाने पर। तो जब वो अपने घर आ रहे होते हैं, बेटे के घर, तो उन्हें लगता है कि वहाँ जाकर मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिलेगा, लेकिन उनका यह स्वप्न उन्हें टूटता हुआ नज़र आता है, क्योंकि उनके बेटे के परिवार में एक कुत्ता है टॉमी, जहाँ टॉमी को उन्हें अपने अस्तित्व से ये कंपैरिजन करना पड़ता है कि यहाँ टॉमी अच्छा है कि मेरा क्या अस्तित्व है। तो एक वृद्ध जो अपने परिवार में वह स्वप्न लेकर लौटता है कि मुझे प्यार और सम्मान मिलेगा, जो टॉमी जो यहाँ पर स्टेटस सिंबल का प्रतीक है, उसे अच्छे खाने, अच्छे मतलब हर चीज़ उसके लिए अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक वृद्ध बाप है जो टॉमी को केवल सैर कराने के लिए सुबह उसके काम पर रखा गया है कि वो उसे फारिग कराने ले जाएगा, जिसके पास पैर में जूते तक नहीं है, वो हवाई चप्पल पहनकर सुबह जाता है, दौड़ाता है, कुत्ते के पीछे दौड़ता जाता है। तो यह बड़ी दर्दनाक स्थिति यहाँ उत्पन्न होती है। और बाबू जसवंत सिंह यहाँ पर पाइल्स के मरीज हैं, लेकिन उन्हें ऐसा भोजन दिया जाता है जो सुपाच्य न हो। तो उन्हें कभी बासी खाना, बहुत दिन का बासी खाना जो फ्रिज में रखा हुआ है वो थमा दिया जाता है, या चाय पीने के लिए बैठे हैं तो चाय उनकी बहुत जब सभी परिवार के सदस्य खाना खा लेते हैं तो चाय पीने के लिए उन्हें बुलाया जाता है। इसके बाद मतलब इस तरह का व्यवहार, इस तरह की उपेक्षा उनके
हृदय पर बहुत बड़ा आघात करती है। इसी दौरान मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्हें कर्नल स्वामी से उनकी मुलाकात होती है। कर्नल स्वामी एक ऐसा वृद्ध है, सोचिए वो रिटायर्ड है, वो भी नोएडा में रह रहा है, उसका परिवार गाजियाबाद में रह रहा है, उसके बेटे ने उसे अलग कर दिया है, लेकिन वो दूसरों से कहता है कि हमारे पास मेरे घर में मेरा बहुत सम्मान है, मेरा बेटा बहुत मेरी इज्जत करते हैं, बहुएं बहुत इज्जत करती हैं, मैं पोतियों के साथ खेलता हूँ। तो ये एक स्वप्न लेकर वह झूठ बोलता है सती से, वह जसवंत सिंह से भी झूठ बोलता है कि मेरे घर में मेरा बहुत सम्मान है। तो यहाँ पर एक वृद्ध की ऐसी सोच जो वह आदर्श और सम्मान वृद्ध के लिए आदर्श स्वप्न बन गया है कि हम परिवार में मुझे सम्मान मिलेगा। तो वह बाबू जसवंत से झूठ बोलता हुआ रोज उनसे मिलता है, और वो जब उन बाबू जसवंत सिंह बीमार पड़ते हैं तो दवाई कराने के लिए भी बेटे के पास फुर्सत नहीं है। इसके बाद वो कर्नल स्वामी उनकी देखभाल करता है। इसके बाद कुछ दिन के बाद पता चलता है कि बाबू जसवंत सिंह बीमार पड़ जाते हैं और मिलने नहीं जा पाते हैं कर्नल स्वामी से। इसी बीच उन्हें पता जब वो खोजते हुए उनके घर जाते हैं तो पता चलता है कर्नल स्वामी की मौत हो गई है। तो जब वो पूछते हैं कि अरे उनके बेटे बेटी कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि इनके तो कोई परिवार ही नहीं है, तो अकेले रहते हैं। तो उन्हें बड़ा एक सदमा लगता है कि कर्नल स्वामी इस तरह से झूठ क्यों बोल रहे थे उनके साथ। तो यहाँ पर देखिए, जसवंत सिंह को जब भी खाना या पीना कुछ भी मिलना अच्छा मिलना होता है तो उसके पीछे एक कारण होता है कि बेटा चाह रहा है कि संपत्ति लिखवा ले या माँ के गहने वापस ले आए, तो इसलिए उन्हें खाना कपड़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर वो कर्नल स्वामी की जब कहानी सुनते हैं कि उनकी मृत्यु किस लिए हुई, उनकी मृत्यु इसलिए होती है कि बेटा जायदाद लिखवाने के लिए जिस फ्लैट में वो रहते हैं उसे लिखवाने के लिए इतना उन्हें पीटता है कि उनकी मृत्यु मतलब वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। वहाँ पुलिस कहती है कि आप इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाइए, लेकिन वे कहते हैं नहीं, ये हमारा पारिवारिक मामला है, और वहाँ छोड़ देते हैं। इसके बाद जायदाद वसीयत लिखी चली जाती है और बेटा सभी पुरानी चीज़ों को एक एक करके बेच देता है। और तो ये दर्दनाक स्थिति। यहाँ पर एक कर्नल स्वामी के जीवन में एक महिला भी आती है, एक बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया है चित्रा मुद्गल ने, कि एक महिला है अरिमा, जो वह भी बेटे बेटियों से सहित विधवा स्त्री है, जो जीवन भर संघर्ष करके उन्हें सक्षम बनाती है, अंततः वह अपने परिवार में उपेक्षित हो जाती है। लेकिन वह उसका एक क्रांतिकारी प्रयास होता है कि वह अखबार में एक नोटिस डलवाती है कि ऐसा कोई वृद्ध हो जिसे ऐसी स्त्री की ज़रूरत हो तो मैं उसकी संगिनी बनना चाहती हूँ। ये इसका बड़ा क्रांतिकारी कदम होता है, और कर्नल स्वामी इस नोटिस को देखकर बहुत खुश होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो उनके जीवन में अरिमा का आगमन होता है। तो यहाँ पर ये दिखाने का अर्थ यह है कि जो पूर्वाग्रह के वृद्ध जो है वह अंत में किसी जीवन साथी को नहीं तलाश सकते या केवल भजन कीर्तन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो कर्नल स्वामी अरिमा के साथ मिलते जुलते हैं। उसके बाद अरिमा का एक पत्र में उनके जसवंत सिंह को मिलता है, जो कर्नल अंतिम समय में मरते हुए दिया था। तो वहाँ पर अरिमा के पत्र में कुछ ऐसा लिखा होता है, बाबू जसवंत सिंह अंततः जब जाते हैं तो वह तुरंत अपना विचार बदलते हैं और उस पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं और जाकर अपनी वसीयत बदल देते हैं सबसे पहले। तो कहानी का अंत यहाँ पर ऐसे होता है। मेरा यहाँ विषय है कि मैंने कुछ बिंदु रखे हैं वृद्ध जीवन की समस्या पर। विस्थापन की त्रासदी, जिस तरह एक पेड़ एक जगह से कट कर दूसरी जगह नहीं लग पाता, मर जाता है, वही स्थिति वृद्धावस्था में अपना घर छोड़ने पर होता है। मूल्यहीनता की अनुभूति, जब जीवन संघर्ष की लंबी यात्रा पूरी करके व्यक्ति रिटायर होकर घर लौटता है तो सब कुछ बदला हुआ होता है और नया अपना स्थान घेरने लगता है। मतलब वह व्यक्ति जो जीवन भर कमाता है, जो लीड करता है अपने घर को, वही उसका बेटा उसे उपेक्षित बना देता है। उपेक्षात्मक व्यवहार, आपको जीवन की मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता है। दूसरा है उपभोक्तावादी संस्कृति। ये एक आज के ज़माने का उपभोक्तावादी क्या है कि किसी चीज़ को यूज़ करो उसके बाद उसको फेंक दो। तो क्या यह सामान के साथ जैसा होता है, क्या वो व्यक्ति की भावनाओं के साथ भी होगा कि आप उसे यूज़ करें उसे फेंक दीजिए। तो यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी है। परिवार का हर सदस्य कमाए और खर्च कम पड़े। ऐसे में जो अनुपयोगी सदस्य है वह अवांछनीय हो जाता है, जैसे वृद्धों की अवस्था हो जाती है। उपभोक्तावादी दुनिया में मुनाफा सबसे अधिक प्रमुख है। आज न केवल बाजार बल्कि परिवार में भी उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव देख सकते हैं।
जब कोई वस्तु उपयोगी नहीं रह जाती तो उसे फेंक दिया जाता है और समाज में यह स्थिति वृद्धों की हो गई है। टेक्नोलॉजी का नशा, देखिएगा कि आज आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि किस तरह टेक्नोलॉजी हमारे भावनाओं पर भी अपना असर छोड़ रही है। पिछले कुछ दशकों से टेक्नोलॉजी का विकास तीव्र गति से हुआ है। यह व्यक्ति के दैनिक कार्यकलाप को भी प्रभावित नहीं करता बल्कि उसकी सोच को भी अपनी चपेट में ले लेता है, अर्थात भावनात्मक स्तर से उतर कर यांत्रिक हो जा रहा है व्यक्ति। देखे यहाँ पर मशीन होता जा रहा है, उसकी भावनाएं मशीन होती जा रही हैं। टेक्नोलॉजी मनुष्य के विकास में उसकी भौतिकता, उसकी बौद्धिकता को तो प्रखर कर रही है लेकिन भावनाएं खोखली होती जा रही हैं। यहाँ ग्लोबलाइजेशन केवल बाजार में एक रूपता नहीं ला रहा है बल्कि पूरी तरह से व्यक्ति की अनुभूति को समाप्त कर रहा है। जो बच्चा टैब, मोबाइल, वीडियो गेम, पजल खेलकर बड़ा हो रहा है उसमें संवेदनाएँ खत्म होती जा रही हैं। कहाँ से जन्म लेंगे? नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच अंतर, यह यथासंभव शीघ्र बदलाव के कारण उनकी सोच, उनकी संस्कृति में अंतर आ जाता है। दोनों ही अपने अपने मूल्य का पक्ष लिए रहते हैं। जैसे आज की हाई टेक्नोलॉजी के समझने में युवा तो आसानी से सक्षम है लेकिन पुराने लोगों के लिए यह रहस्यमयी पहेली बन गई है। संवेदनहीनता, महत्वाकांक्षा और आगे बढ़ने की होड़ के कारण नई पीढ़ी में संवेदनहीनता बढ़ी है क्योंकि आज हृदय का स्थान बुद्धि ने ले लिया है। इसी कारण वृद्ध परिवार में होते हुए भी अकेला रह रहा है। एक यहाँ हरिहर नाम का कैरेक्टर है, ये बहुत बड़ा उपन्यास है, मैं शॉर्ट में बताया कि हरिहर का पुत्र पिता की आँख का ऑपरेशन सिर्फ अपना फर्ज पूरा करने के लिए करवाता है और फिर उन्हें अकेला गांव भेज देता है जहां उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट अटैक होने के बाद वो अपने कमरे में अकेले 10 दिन तक मरे पड़े रहते हैं। घर में जब लाश सड़ती है तो पड़ोसी जानते हैं। पूर्वाग्रह से मुक्ति, मैंने पहले बताया पूर्वाग्रह अर्थात पहले से चली आ रही विचारधारा को बदलना। जैसे आपकी संपत्ति का मालिक आपका नालायक बेटा ही बने, इसके लिए वसीयत बदलने की आवश्यकता है। या पूर्वाग्रह यह भी है कि आपका पुत्र ही आपको मुखाग्नि देगा। यहाँ पर भारत में पुत्र इसलिए ही पैदा होते हैं कि वह पिता को मुखाग्नि देंगे। वृद्धों को भी यह पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए कि मेरा बेटा सिर्फ मेरा अनुशासन माने। यहाँ दूसरी पीढ़ी के बीच भी अंतर है कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें एक सामंजस्य की स्थिति बनानी चाहिए। औरतों का काम मर्द नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।